नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने से पहले समाजवादी पार्टी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी का जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कद बढ़ता हुआ नजर आया है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में शिवपाल यादव की काफ़ी अहम भूमिका देखी जा रही है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी सीएम चेहरे के तौर पर उतार सकती है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया है और ऐसे में देखा जा रहा है अपर्णा यादव जिम्मेदारी मिलने के बावजूद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लंबे अरसे से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की भूमिका निभाती हुई नजर आई और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम कयास ये लगाए जा रहे कि अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की तवज्जो का यहाँ पर अनुमान लगाकर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करती हुई नजर आई थी, उस तरह की तवज्जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें नहीं दी गई और लोकसभा चुनाव में भी अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। उन्होंने कैसरगंज और रायबरेली से चुनाव लड़ने की मांग की थी लेकिन दोनों ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाने से इनकार कर दिया और उनको उसके बाद कहीं ना कहीं मैनपुरी की सीट ऑफर करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी, लेकिन अपर्णा यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में मैनपुरी से ताल ठोक रही थी और ऐसे में उनका यह बयान सामने आया था कि मैं मैनपुरी से अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगी और मैनपुरी ही क्या, किसी भी अन्य लोकसभा क्षेत्र से मैं किसी भी अपने पारिवारिक सदस्य के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगी। और ऐसे में अपर्णा यादव ने एक सुनहरा मौका उस दौरान गंवाया और अब देखा जा रहा है अपर्णा यादव को लेकर महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाने के बावजूद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये दावे करती हुई नजर आ रही है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं, लेकिन देखा जाए तो चाचा शिवपाल यादव से भी उनकी मुलाकात काफी बार इस दौरान होती हुई नजर आई और ऐसे में चाचा शिवपाल यादव भी ये दावे करते हुए नजर आए कि अपर्णा जल्द ही समाजवादी पार्टी में अपने परिवार की तरफ वापसी करती हुई नजर आएंगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनको एक कार्यकर्ता की भूमिका में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं दिखाती हुई नजर आई है, लेकिन अगर अपर्णा समाजवादी पार्टी में आ जाती हैं तो उनको एक कार्यकर्ता की भूमिका में नहीं रखा जाएगा, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी यहां से पार्टी की तरफ से परिवार की तरफ से मिलती हुई नजर आएगी। और हाल ही में देखा गया शिवपाल यादव का एक वीडियो सामने आया और वीडियो में शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के कामों को सराहते हुए नजर आए और ऐसे में समाजवादी पार्टी की काफ़ी प्रशंसा करते हुए नजर आए, लेकिन देखा गया किस तरह से योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने तीखे हमले किए, भारतीय जनता पार्टी को घेरा, तमाम मुद्दों को लेकर शिवपाल यादव क्या कुछ बोलते हुए नजर आए आप देखिए इस वीडियो में। देश हित में नहीं है, समाज हित में, और जो बातें महाराज जी कह रहे तो वो किसी तरीके से संत नहीं लगते, संत कभी इस तरीके की बात नहीं करते, कपड़े जरूर हैं, जो बातें आज कर रहे हैं वो बातें न तो देश हित में, न प्रदेश के हित में है, न समाज के हित में। ये बातें राजनीति में मैंने तो बहुत से ऊंचे दलों को, मंत्रियों को भी सुना, प्रधानमंत्री को भी सुना, लेकिन जिस तरह से आप उन्होंने एक बात और कही थी जो कन्नौज में हुआ, वही चेहरा समाजवादी पार्टी का है, कभी नवाब सिंह का नाम लेकर के आप करा देते हैं, तो ये प्रैक्टिकल किस दिशा में ले जाना? देखिए इन पे कंट्रोल तो हो नहीं रहा, घटनाएं देखिए लगातार बढ़ रही, आज भी सुन लिया होगा कोई घटनाएं, कई घटनाएं महिलाओं के साथ जो रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, डकैतियां भी कर रही हैं, फिर पे कहीं रुक नहीं रहा, जो घटनाएं रोक नहीं पा रहे, विकास कर नहीं पा रहे, महंगाई को रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहे, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, आज सारे समस्याएं बढ़ती चली जा रही,
बाबा जी तो क्या लग रहा है मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ आज मंगेश किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए जितनी ये जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो खतरनाक है। इस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं किस तरह की सही इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे सवाल उठ रहे जो सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए। क्या लग रहा है जांच देख कर एनकाउंटर किया जा रहा है? ये तो सब देख रहे हैं इनकी जो मैंने कहा है कि जो भी उन्होंने जो गिरफ्तार के एनकाउंटर हुए हैं उन पर जो सवाल उठ रहे हैं तो सही जात होना चाहिए उसकी सही जात होना चाहिए। कल गिरीश यादव मंत्री जौनपुर में एक सवाल पत्रकार ने पूछ दिया तो उसके साथ के प्रतिनिधि पर उतर आए। क्या लगता है कि आजकल सवाल पूछना भी खराब हो गया है मंत्री? तो ये तो आप लोग जानो ये आप लोगों को भेद नहीं छोड़ रहे जनता को भी नहीं छोड़ किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से ताना साहब दिखा रहे हैं तो उसका जवाब देके सब लोग नहीं करते थे जनता भी देगी आप लोगों को भी देना चाहिए। आप लोगों ने तो इस तरीके से उनके सामने हत्या डाल दिए हत्या नहीं डालना चाहिए। अच्छा दीपक अब नहीं गुजरने वाला है तभी तुझे बातें करते हैं। राजनीति में देखिए हमेशा परमानेंट नहीं है कोई सरकार और सरकार तो बदले और जो परंपराएं जो डाल रहे हैं अब वो अच्छी नहीं है परंपरा। क्या लग रहा है 2017 से पहले आरोप लगा रहे हैं 2017 से पहले आतंक का समाजवादी बनी है? आतंक तो अब है वो समय कोई आतंक पत्रकार तो अपने आप बातें करते थे सब जनता अपने आप करते थे और इस तरीके से अगर ये शासन रहा तो जनता पर निर्णय ले ले बहुत जल्दी निर्णय ले कोई घबराए हुए हैं ये सब लोग। क्या लग रहा है सत्ता से बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा बड़े चुनाव चुनाव में कैसे बदलाव करते हैं चुनाव में सब क्या देखते हैं और चुनाव में परिणाम अच्छे आ जाएंगे। कोई भी अधिकारी सर बिना पैसा के कार्य नहीं कर रहा बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है क्या कहोगे? है भ्रष्टाचार तो सब लोग जानते हैं इतना भ्रष्टाचार है इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है 100 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है सरकार तहसील में थानों में जहाँ जाओ हर कारण है। बिजली नहीं किसानों को मिल रही खाद नहीं मिल रही वादा तो उन्होंने किया था 24 घंटे सस्ती बिजली और सबसे महंगी और 6 घंटे बिजली नहीं आ रही। अखिलेश यादव ने कहा कि 2017 के बाद बुलडोजर पूरा कुटेटर रवाना हो जाएगी अब जो परंपरा डाली है तो आपने देखा कि किस तरह से शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर तमाम हमले किए और ऐसे में अब देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक कड़ा रुख अपनाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सियासी हमले करती हुई नजर आ रही है। तो आगामी विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत कहीं ना कहीं दूर नजर आ रही है और ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने गढ़ वाली 5 सीटों पर तो पूरी मेहनत कर ही रही है लेकिन देखा जाए तो अन्य 5 सीटों पर भी जीत के दावे करती हुई नजर आ उन सीटों पर भी कहीं ना कहीं अपने पांव को मजबूत करती हुई नजर आ रही है लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी मुख्य भूमिका उपचुनाव में नजर आ रही है तो अब ऐसे में क्या मायावती और आजाद भी यहां से वोट बैंक यहां पर छीनने में कामयाब होंगे वोटों में सेंधमारी करने में कामयाब होंगे ये भी देखना आगे दिलचस्प होगा और किस तरह से आखिर समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव की रणनीति बनाती हुई नजर आती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को क्या एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के बाद इन उपचुनावों में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 News।